नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सिवान के गांधी मैदान में आज जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह भी शिरकत करने पहुंचे और सम्मेलन की तैयारियों को देखकर वो गदगद नजर आए। दरअसल आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों का जो हुजूम उमड़ा था, उसके सूत्रधार रहे स्थानीय जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे। हाल ही में अपने घर पर वोटर सम्मान सह महाभोज का आयोजन रोज हजारों लोगों को भोजन कराकर उन्हें धोती साड़ी देकर सम्मानित करने वाले विधायक अमरेंद्र पांडे ने आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आने वाले लोगों के लिए बेहद खास इंतजाम किए। प्रमंडलीय सम्मेलन में सारण प्रमंडल के सभी विधानसभा से पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा, जिनके बैठने से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी। सम्मेलन को लेकर जिले को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के लिए नारेबाजी भी हुई। इस कार्यक्रम को कवर करने हमारी टीम वहां पहुंची, देखिए। रैली का क्या तैयारी चल रहा है सर? रैली का क्या तैयारी चल रहा है? रैली के लिए तैयारी की क्या जरूरत है? कैसे कैसे क्या है? हमारे क्षेत्र के लोग तैयारी के लिए नहीं खोजते हैं, केवल खबर मिलना चाहिए कि हमको चलना है रैली में, मीटिंग में, जुलूस में, किसी भी कार्य में। तो पूरे बिहार में हमारा विधानसभा क्षेत्र हर चीज में सबसे आगे रहता है। आपके क्षेत्र में जेडीयू का क्या पोजीशन है? आपके क्षेत्र में जेडीयू का क्या पोजीशन है? जेडीयू का बाकी जो आएगा उसका जमानत नहीं बचेगा, खाली हमारे क्षेत्र में ना, जिला का भी स्थिति है। बाकी कोई पार्टी आएगा तो उसका जमानत तक भी नहीं बचा पाएगा। इस सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विधायक पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मेहनत रंग लाती नजर आई और सम्मेलन जब सफलता की ओर बढ़ता चला तो पप्पू पांडे ने कहा कि 10,000 से ज्यादा जेडीयू कार्यकर्ताओं का जुटान इस सम्मेलन की सफलता की कहानी कहता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता आरसीपी सिंह की मेहनत की वजह से ही पार्टी में कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज आज खड़ी हो चुकी है और जेडीयू के पास किसी भी दल से ज्यादा कार्यकर्ता और कैडर्स हैं। पप्पू पांडे ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आने वाले लोगों के लिए बसों का इंतजाम किया था, साथ ही बेहतर नाश्ते पानी की भी व्यवस्था की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे और पढ़ते रहे सिटी पोस्ट लाइव.com। नमस्कार।